जनपद संभल के चंदौसी में करवा चौथ की धूम। महिलाएं साज श्रृंगार कर मना रही त्योहार। आज पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये व्रत महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए सारे दिन निर्जल रहकर रखती हैं। आज जनपद संभल के चंदौसी में भी करवा चौथ की धूम दिखाई दी। इस अवसर पर चंदौसी की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली सुरभि सक्सेना ने बताया कि इस व्रत की शुरुआत सुबह को घर की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा सर्गी देने के साथ होती है। इस दिन महिलाएं खूब सारा साज श्रृंगार करती हैं, सारा दिन निर्जल रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआ मांगती हैं। साथ ही यातायात माह को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए हल्की गति से ही वाहन चलाएं तथा दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का इस्तेमाल करें। वहीं रोहिणी सक्सेना ने कहा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसलिए घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आपको अपने साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। मैं सभी को करवा चौथ, पहले करवा चौथ की सभी ब्राइड्स को बधाई देना चाहती हूँ और सब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ पहले करवा चौथ पे। यही मेरी मनोकामना है। कोई संदेश देना चाहेंगे ये जैसे कोरोना चल रहा है समय? कोरोना इस टाइम पे सब अपने घर पे रहें, प्रोटेक्शन रखें और सबसे यही है कि मास्क पहने और शील्ड पहने, जो भी अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं वो लें। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ मेरे मम्मी पापा एंड बड़े भैया भाभी, मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ और प्लस जो सारे नेबर्स थे उन लोगों के साथ हम लोगों ने आज करवा चौथ मनाया, जिसमें हम लोगों में पूरा पूजा पाठ से सब मनाया जाता है और ये सुहाग का व्रत होता है। जैसे कि समय कोरोना महामारी चल रही है, उसमें आप क्या महिलाओं को और लोगों को क्या संदेश देंगे? यही कि सब लोग सेफ रहें, अपने घर पर रहें और जितना हो सके अपना प्रिकॉशन से रहें, मास्क लगा कर रहें और डिस्टेंस बना कर रहें। यही मैं सभी लेडीज़ों को कहना चाहती हूँ।